गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एरे यूज करके हम स्टैक को कैसे क्रिएट एंड प्रोसेस कर सकते हैं। अब एरे को यूज करके प्रॉब्लम इज, लिमिटेशन ऑफ द एरे इज दैट हमें स्टैक का साइज मालूम होना चाहिए। अगर मुझे स्टैक का साइज मालूम नहीं है और मैं एरे यूज करूंगा तो देयर मे बी अ चांस कि मैंने जो एरे का साइज लिया है वो कम रह जाए और जो स्टैक पे डाटा स्टोर करना था, पुश करना था, वो ज्यादा हो। इस केस में मेरा जो एरे है वो सारे डाटा को अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। सिमिलरली देयर मे बी चांस कि मेरे को थोड़ा सा ही डाटा स्टैक में स्टोर करना था लेकिन मैंने एरे का साइज बहुत बड़ा ले लिया, तो मैं बेकार में मेमोरी लॉस करूंगा। तो अगर मुझे एरे तभी यूज करते हैं अगर मुझे स्टैक का साइज पता है कि हाँ इतने डाटा ही मैं स्टोर करूंगा, इससे ज्यादा या कम नहीं। ठीक है, तो अब अगर नहीं पता तो तब क्या करिए, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम लिंक्ड लिस्ट यूज कर सकते हैं। तो आज देखेंगे हम कि लिंक्ड लिस्ट यूज करके हम स्टैक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिंक्ड लिस्ट क्या है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो लिंक्ड लिस्ट में हमारे पास नोड्स होती है लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें हर नोड का अपना एक एड्रेस होता है, मीन्स वो नोड कहाँ पर स्टोर है तो उसका वो एड्रेस होगा। उसके बाद हर नोड में एटलीस्ट हमारे पास दो चीजें होती है, एक होती है डाटा इन्फॉर्मेशन, दूसरी इन्फॉर्मेशन होती है नेक्स्ट पॉइंटर की। डाटा में हमारा जो भी डाटा होता है वो इंसर्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंटर में हम इंसर्ट करते हैं जो भी नेक्स्ट नोड है उसका मेमोरी एड्रेस। ठीक है, तो और हमारा जो लिंक लिस्ट होता है उसमें हमारे पास स्टार्टिंग में एक हेड पॉइंटर होता है जिसको कई बार हम स्टार्ट भी बोलते हैं, और स्टैक के केस पे हम उसको टॉप बोलेंगे। अब टॉप बोला है मीन्स हम जितना भी इंसर्शन या फिर डिलीट करने वाला है पॉप पुश ऑपरेशन से वो सारा हम हेड नोड पे ही करेंगे। नाउ सपोज मेरे को डाटा 2 स्टोर करना है स्टैक में, तो अब स्टैक का डाटा जो 2 है वो मैं लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे स्टोर कर सकता हूँ। तो जब भी हमें लिंक लिस्ट में कोई डाटा स्टोर करना होता है सबसे पहले हम एक नोड क्रिएट करते हैं, एक नोड क्रिएट करेंगे। ठीक है, सपोज इस नोड का जो मेमोरी एड्रेस है वो 200 है, और हर नोड के क्योंकि दो पार्ट होते हैं जैसे मैंने यहाँ पर बताया डाटा एंड नेक्स्ट, तो डाटा यहाँ पर 2 है तो डाटा में 2 हो गया। नेक्स्ट में हमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करना है, बट क्योंकि अभी तो हमारा ये पहला नोड ही होगा तो इसलिए इसका जो नेक्स्ट होगा वो दोबारा नल होगा। अब हम इस नोड को अपने हेड में लिंक कर दिए। लिंक कैसे करेंगे, ये जो 200 है ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। अगर ऐसे लिख देंगे तो अब हमारा लिंक लिस्ट कैसे फ्लो करेगा, लिंक लिस्ट हमेशा स्टार्ट करते हैं हेड से, तो हेड पे 200 है तो 200 से वो डायरेक्टली आ जाएगा 200 मेमोरी हेड एड्रेस पे। यहाँ पर उसे दिखेगा डाटा 2 है तो वो 2 को रीड कर लेगा, और नेक्स्ट नल है यानी कि ये हमारी लास्ट नोड है। अब सपोज मेरे को 5 इंसर्ट करना है, जो भी मैं इंसर्शन करूंगा लिंक लिस्ट में वो हमेशा मैं स्टार्टिंग में करूंगा। तो अब मेरे को अगर 5 इंसर्ट करना है, मैं एक नोड क्रिएट करूंगा सबसे पहले, सपोज इसका जो एड्रेस है वो 300 पे है। ठीक है, उसके बाद मैं 5 को डाटा की पोजीशन में इंसर्ट कर दूंगा, इसके नेक्स्ट पॉइंटर पे मैं स्टोर करूंगा नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो कि 200 होगा, तो 200 यहाँ पर कर दूंगा, और ये जो 300 है ये मैं लिखूंगा हेड पे, तो यहाँ पर जो 200 था अब मैं उसको कर दूंगा 300। तो इसको करने से क्या होगा कि मेरा जो हेड से है पहले हम इस नोड पर आएंगे और फिर इस नोड से यहाँ पर जाएगी, तो हमारा यहाँ पर ये 5 इंसर्ट हो गया। अब देखो ये जो अगर जो हमारा हेड है, अब जो हमारा हेड है अगर ये टॉप भी है तो टॉप पे हमारा टॉप हमारा कहाँ है 300 पे, 300 पे डाटा है 5। अब 5 के बाद नेक्स्ट डाटा कहाँ पर है 200 पे, यानी कि नेक्स्ट डाटा हमारा 2 पे। तो सिमिलरली जैसे हमारा स्टैक में होता है एग्जैक्टली सेम थिंग इज गोइंग ऑन। ठीक है, टॉप पर 5 है फिर 2 है एंड सो। तो अब सपोज मुझे डिलीट करना है, डिलीट ऑपरेशन भी हम कहाँ से करेंगे, फर्स्ट नोड का ही, फर्स्ट नोड को डिलीट करेंगे तो यानी कि हमारा स्टैक से डाटा डिलीट हो गया। तो अगर 5 को डिलीट करना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, जैसे लिंक लिस्ट में हम नॉर्मली नोड को डिलीट करते हैं वैसे ही यहाँ पर करना है। तो डिलीट करने के लिए मैं पहले हेड से फर्स्ट नोड पर आऊंगा, नोड फर्स्ट नोड पे मैं चेक करूंगा नेक्स्ट पॉइंटर क्या है। अभी जो नेक्स्ट पॉइंटर है इस ये वैल्यू मैं डाल दूंगा हेड पे यानी कि 200 हो जाएगा। जैसे ये 200 होगा अब ये डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा,
कैरी की इस डॉट पे ये नहीं आएगा, नहीं आएगा बेस, ये नोड हमारी डिलीट हो गई है। तो इस तरीके से लिंक लिस्ट में हमें कुछ भी इंसर्ट करना है या कुछ भी डिलीट करना है तो हम स्टार्टिंग नोड पर ही करते हैं। अब बात करते हैं बेसिक ऑपरेशंस की। तो हमारे क्या क्या ऑपरेशंस थे, एक था पुश। पुश मींस इंसर्शन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर हमें कुछ भी इंसर्ट करना है तो हम स्टार्टिंग नोड पर इंसर्ट करिए। दूसरा है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन में हम डिलीट करते हैं, तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया है कि पॉप करना है, डिलीट करना है तो हम स्टार्टिंग नोड पर ही डिलीट करिए। फिर था पीक ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन था हमारा कि हम जस्ट टॉप पर क्या एलिमेंट है उसको देखिए एंड वी आर नॉट गोइंग टू डिलीट इट। तो मीन्स हेड में हमारा जो भी मेमोरी एड्रेस होगा, जैसे अभी यहाँ पर 200 है तो 200 पे क्या डाटा है वो हम रिट्रीव कर लिए, लेकिन हम उसको डिलीट नहीं करेंगे। फिर था एक isEmpty। क्या था, ये हमें बताता था कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। तो हमारा जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी कब होगा, इट विल बी एम्प्टी ओनली व्हेन हेड इज नल। तो जब हेड नल होगा तो हमारा एम्प्टी होगा। तो जस्ट हम चेक करिए कि भाई हेड नल है या नहीं है, अगर नल है तो यानी कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है। फिर उसके बाद क्या था, इज फुल। अब ये वाला जो ऑपरेशन है क्या ये वैलिड होगा लिंक लिस्ट के लिए, नहीं होगा, क्योंकि ये इस फुल ऑपरेशन हमें तब जरूरत पड़ी थी एरे के केस में, क्योंकि एरे में हमारा साइज फिक्स था। तो हमें चेक करना था कि हमारा जो एरे के स्लॉट्स है क्या वो कम्प्लीटली फिल तो नहीं हो गए, लेकिन लिंक लिस्ट में वो प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि लिंक लिस्ट में तो हम कितने भी नोट्स ऐड कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिटेशन। तो हमारा ये वाला इस फुल ऑपरेशन इज नॉट वैलिड फॉर लिंक लिस्ट। उसके बाद एक ऑपरेशन होता क्रिएट। अब क्रिएट तो हमने कर ही दिया है, लिंक लिस्ट से स्टैक बना ही दिया हमने। सो विद दिस ऑल दी ऑपरेशंस वी हैव डिस्कस्ड, अब मैं बताऊंगा आपको कि इसका हम सी प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट सी प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लाइन बाय लाइन कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया है टू क्रिएट अ नोड। हमारे लिंक लिस्ट में जितने भी नोड बनते हैं तो हर नोड में हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन होती है, एक डाटा की और एक नेक्स्ट पॉइंटर की। तो वो दोनों इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर के अंदर कंबाइन कर दी और स्ट्रक्चर का जो नाम है वो है हमारा नोड। फिर उसके बाद कि हमने हेड डिक्लेयर किया पॉइंटर एज अ पॉइंटर कि हेड हमेशा पॉइंट करेगा किसी एड्रेस पे और वो एड्रेस होगा इस स्ट्रक्चर वेरिएबल का। प्रेजेंटली मैंने उसको नल कर दिया, यानी कि मैंने एक हेड बनाया और उसकी करंट वैल्यू मैंने नल रखी। ये जो हमारा हेड है ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, यानी कि ग्लोबल पॉइंटर मींस हम इस हेड को किसी भी फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं विदाउट डिक्लेयरिंग इट। अब इसके बाद मैंने एक पुश फंक्शन बनाया। पुश जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इस फंक्शन को यूज करके मैं डाटा को पुश करूंगा यानी इंसर्ट करूंगा स्टैक के अंदर। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो आर्गुमेंट दिया है वो है सी एच। सी एच है हमारा जो कि डाटा इंसर्ट करना है हमें, तो वो सी एच में वैल्यू है हमारे पास। फिर फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैंने लिखा है नोड स्टार नोड, तो इससे मैंने एक पॉइंटर क्रिएट किया जो कि अगेन स्ट्रक्चर को पॉइंट करेगा, यानी कि स्ट्रक्चर जो बनेगा उसका मेमोरी एड्रेस विल बी स्टोर्ड इन दिस नोड। उसके बाद मैंने सेकंड लाइन में मैलक यूज करके मैंने एक नोड क्रिएट किया। नोड इन द सेंस कि जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर हमारा एक नोड बन जाएगा और इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो हमारा नोड में होगा। अब उसके बाद नोड डाटा सी एच, यानी कि यहाँ पर हमारा डाटा आ जाएगा सी एच। नोड नेक्स्ट हेड, यानी कि हेड पहले नल था तो अब नोड नेक्स्ट इक्वल टू नल, यानी कि ये नल हो जाएगा। फिर हेड इक्वल टू नोड, यानी कि जो हेड है उसमें पहले नल वैल्यू थी, अब
इस स्टेटमेंट की वजह से अब इसमें वैल्यू चली जाएगी नोड की, तो यानी कि नोड, ठीक है, और इस लाइन की हमें जब इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो अगर सपोज अगर मेरा नोड की वैल्यू इफ इट इज 200, तो यानी कि मेरा यहाँ पर हेड में जो वैल्यू जाएगा वो जाएगा 200, और सपोज सी एच की वैल्यू मैंने 2 अगर पास की है तो ये 2 हो जाएगा, तो मेरा जो हेड है इट विल बी लाइक दिस। सिमिलरली अब मुझे पुश करना है इस बार 5, तो अब क्या होगा, सी एच की वैल्यू 5 है, मैं फिर से ये पुश फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा, फिर से एक नोड क्रिएट करूंगा और फिर से मैलिक के थ्रू मैं एक नोड क्रिएट करूंगा। इस बार लेट द वैल्यू ऑफ नोड इज 300, उसके बाद नोड डाटा इक्वल टू सी एच, सी एच की वैल्यू हमारी 5 है तो हमने यहाँ 5 ले ली। फिर नोड नेक्स्ट इक्वल टू हेड, तो यानी कि जो हेड की वैल्यू है हेड में 200 वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर हेड इक्वल्स टू नोड, नोड की वैल्यू 300 है यानी कि ये जो हेड है इसको हम चेंज करके 300 कर दिए, और जैसे 300 करिए तो अब हेड से पहले इधर आइए, फिर इसके नेक्स्ट में 200 है तो यानी कि हम फिर इधर जाइए, तो ये जो लिंक है इधर का ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो हमारा सेकेंड नोड इंसर्ट हो गया एट द टॉप ऑफ द स्टैक। अब देखते हैं पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन में मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हमारा एक ही आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है हेड, और हेड हमारा ग्लोबल वेरिएबल है तो इसलिए उसको आर्गुमेंट के फॉर्म में पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसके अंदर देखते हैं प्रोग्राम क्या लिखा है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने एक पॉइंटर बनाया ptr, जिसकी वैल्यू हमने ऐड कर दी, यानी कि ptr इज इक्वल टू हेड, हेड की वैल्यू क्या है 300, तो ptr की वैल्यू 300 हो गई। फिर हमने चेक किया इफ हेड इज नॉट इक्वल टू नल, तो अगर नॉट इक्वल टू नल है तो हम ये सारी लाइनें एग्जीक्यूट करेंगे, अगर नल नहीं है तो हम एस वाला यानी कि रिटर्न जीरो कर दिए, और मेन प्रोग्राम में हम चेक करेंगे कि अगर रिटर्न जीरो आया, अगर जीरो वैल्यू रिटर्न हुई है तो हम डिस्प्ले कर देंगे स्टैक इज एम्प्टी, और अगर जीरो रिटर्न नहीं हुआ तो जो भी सी एच की वैल्यू रिटर्न कर रहे वो वैल्यू हम डिस्प्ले कर देंगे, दैट डाटा पॉप इज दिस, ठीक है। अब उसके बाद हमारा इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने पहले इंट सी एच लिखा है, सी एच में हम क्या डाटा स्टोर करेंगे जो कि हम पॉप करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट इज हेड इक्वल टू हेड नेक्स्ट, हेड नेक्स्ट, हेड की वैल्यू क्या है 300, तो 300 नेक्स्ट इज दिस 200, तो हम हेड की नई वैल्यू हो जाएगी 200, तो 300 हट के इट विल बिकम 200। फिर थर्ड लाइन इज सी एच इक्वल टू पी टी आर डाटा, पी टी आर क्या है 300, तो 300 पे डाटा क्या है 5, तो सी एच की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5। फिर फ्री पी टी आर यानी कि फ्री 300, तो ये जो ये वाला जो है ये हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और क्योंकि हेड इज 200 तो इट विल जस्ट कनेक्ट टू दिस, और ये जो ये वाला जो चैनल है ये हट जाएगा। रिटर्न सी एच यानी कि सी एच की वैल्यू जो भी है वो रिटर्न कर दीजिए, तो 5 हमारा रिटर्न हो जाएगा। तो दिस इज अवर पॉप ऑपरेशन। फिर नेक्स्ट इज पीक, पीक में अगेन हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ हेड की रिक्वायरमेंट होती है, और हेड ग्लोबल वेरिएबल है तो इसलिए ऑटोमेटिकली फंक्शन के अंदर हम हेड को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हेड नल है या नहीं है, अगर हेड नल है तो रिटर्न जीरो करेंगे, अगर हेड नल नहीं है तो सिंपली हम रिटर्न हेड डाटा कर दें। इससे क्या होगा, जैसे यहाँ पर है हेड की वैल्यू क्या है 200, 200 डाटा इज 2, तो क्योंकि हम पीक पे सिर्फ टॉप पे जो वैल्यू है उसको देखते हैं, हम डिलीट नहीं करते, तो जस्ट 200 के डाटा को हमने चेक किया और उसको रिटर्न कर दिया, और फिर मेन प्रोग्राम में हम डिस्प्ले कर देंगे दैट पीक डाटा इज दिस 2, तो इसलिए रिटर्न कर दिया हेड डाटा। नेक्स्ट इज एम्प्टी, इज एम्प्टी में भी हमने कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया, सेम रीजन की वजह से, हेड ग्लोबल वेरिएबल है। फिर इसके अंदर हम चेक करेंगे कि हेड नल है या नहीं, क्योंकि अगर हेड नल होगा
तो ही हमारा स्टैक एम्प्टी होगा, अगर हेड नल नहीं होगा तो स्टैक एम्प्टी नहीं है। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है टू डिस्प्ले, ये कैसे काम कर रहा है, इसमें पहले हमने एक पीटीआर वेरिएबल डिक्लेयर किया, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको इक्वल टू हेड कर दिया। फिर अगर हेड नल है तो स्टैक इज एम्प्टी, अगर हेड नल नहीं है तो हम एक एक नोड पर जाएंगे और उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसके साथ हमने सारे फंक्शंस बना लिए है ना, पुश पुश के लिए, पुश के लिए, पॉप के लिए, पीक के लिए, एम्प्टी के लिए, डिस्प्ले के लिए। ठीक है, अब हमारा ये मेन प्रोग्राम है, ये जैसे एरे वाले प्रोग्राम में था एग्जैक्टली सेम टाइप का मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है। स्कैन करिए, यूजर से पूछिए, यूजर जो भी वैल्यू डालेगा 126 उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। अगर 6 डाला मीन्स एग्जिट करना है, तो ब्रेक यानी कि इस इनफाइनाइट वाइल लूप से हम बाहर आ जाइए और प्रोग्राम से एंड हो जाइए। अगर 125 कुछ डाला है तो उसके अकॉर्डिंगली केस विल बी एग्जीक्यूटेड। तो केस 1, अगर 1 डाला है तो पुश ऑपरेशन करना है, तो हम इसमें सिंपल जैसे पुश ऑपरेशन आएगा तो हम यूजर से वैल्यू इंसर्ट कराइए, एंटर द वैल्यू टू इंसर्ट इनटू द स्टैक, स्कैन करिए और फिर उसको पुश कर दिए। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, हमारा जो ऊपर हमने ये वाला फंक्शन है, यहाँ पर हमारा कंपाइलर आएगा और वो इसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करेगा और पुश कर देगा डाटा को। उसके बाद 2 में पॉप करना है, तो सिंपल ये हमने कॉल किया फंक्शन को और जो भी सी की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली डिस्प्ले हो जाएगा। सी की वैल्यू 0 नहीं है यानी कि स्टैक एम्प्टी नहीं था, तो जो भी वैल्यू पॉप हुई है उसको डिस्प्ले कर देगा। अगर सी की वैल्यू 0 आई है तो हमारा मीन्स हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो स्टैक इज एम्प्टी प्रिंट कर देगा। थर्ड पीक, सेम फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर सी की वैल्यू 0 नहीं है तो जो भी पीक डाटा है उसको डिस्प्ले कर देगी, अगर 0 है तो डिस्प्ले कर देगी स्टैक इज एम्प्टी। फोर्थ चेक करना है इज स्टैक एम्प्टी, तो सिंपल फंक्शन को कॉल करिए, हेड की वैल्यू नल है तो डिस्प्ले कर देगी स्टैक इज एम्प्टी, नल नहीं है तो डिस्प्ले कर देगी स्टैक इज नॉट एम्प्टी। फिर 5 डिस्प्ले स्टैक एलिमेंट, डिस्प्ले को कॉल करिए और उस फंक्शन में हमने फंक्शन बना रखा था जिससे कि हम हर एक नोड के एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। फिर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में है कि अगर यूजर ने जो हमने 126 एंट्रीज मांगी थी, अगर यूजर ने इनमें से कुछ और एंट्री कर दी, लाइक 7 एंटर कर दिया, 8 कर दिया, तो वो डिफॉल्ट केस में चले जाएगा, उसमें फिर हम प्रिंट कर देंगे रॉन्ग इनपुट। ठीक है, तो ये हमारा मेन प्रोग्राम है। अब इसको अगर मैं रन करता हूं, मैंने रन किया, ये हमारा आउटपुट विंडो ओपन हुआ। तो इसको देखते हैं कि ये क्या, ये हमारा आउटपुट विंडो, तो इसको देखते हैं कि क्या ये रन कर रहा है प्रॉपरली या नहीं कर रहा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा पूरा मेनू ओपन है, एंटर 1 टू पुश, एंटर 2 टू पॉप एंड सो ऑन। तो इसमें अगर मैं अभी 1 एंटर करता हूँ, क्योंकि अभी हमारा एम्प्टी है, तो या पहले हम एम्प्टी का चेक कर लेते हैं, तो एंटर 4 टू चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। तो अगर मैं 4 एंटर करता हूँ इसमें, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है स्टैक इज एम्प्टी। अगर डिस्प्ले करने का देखते हैं, अगर मैं 5 एंटर करता हूँ अब, तो फिर से वो ही आ रहा है स्टैक इज एम्प्टी, तो डिस्प्ले क्या होगा। तो कुछ इंसर्ट करते हैं, पहले तो मैंने 1 एंटर किया तो वो पूछ रहे हैं एंटर वैल्यू टू इंसर्ट इनटू द स्टैक, मैंने 2 एंटर किया, अब उसके बाद डिस्प्ले करके देख लेता हूँ, या फिर एक और अभी इंसर्ट करता हूँ, तो 1 फिर डाला इंसर्ट करने के लिए, एंटर वैल्यू टू इंसर्ट इनटू द स्टैक, 5 एंटर किया, अब डिस्प्ले करके देखता हूँ, तो एंटर 5 टू डिस्प्ले, 5 एंटर किया, तो यहाँ पर हमारा डिस्प्ले हो गया 5 एंड 2। ठीक है, 5 हमारा एलिमेंट एट द टॉप है, तो सबसे ऊपर 5 है, उसके नीचे 2 है। फिर हम पीक करते हैं, तो पीक करने के लिए 3, तो ये आ गया पीक्ड डाटा इज 5, क्योंकि टॉप पर 5 था, टॉप पर 5 था तो 5 को पीक हो गया। अब पॉप करते हैं, तो 2 एंटर किया, तो क्या आ गया पॉप्ड डाटा इज 5, सबसे ऊपर 5 था तो 5 पॉप हो गया। अब पॉप हो गया मीन्स डिलीट भी हो गया होगा, तो डिस्प्ले करके देखते हैं, तो डिस्प्ले के लिए 5 एंटर किया, तो डिस्प्ले स्टैक एलिमेंट्स 2, पहले 5 2 था, अब 2 रह गया। अब एक बार फिर पॉप करते हैं, तो 2 एंटर किया,
अब पॉप्ड डाटा इज टू, अब एक ही एलिमेंट था वो भी हमने पॉप कर दिया, तो मीन्स हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया होगा। चेक करते हैं, तो एम्प्टीनेस चेक करने के लिए हमें फोर एंटर करना है, फोर एंटर किया अब आ गया स्टैक इज एम्प्टी, है ना, फाइव किया फिर से आ गया स्टैक इज एम्प्टी। तो मीन्स इन दिस वे हमारा जो प्रोग्राम हमने बनाया है इट इज वर्किंग फाइन। तो इस विद दिस आई एंड ओवर हियर, और अगले लेक्चर में मैं कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दूंगा और उसको फिर एक्सप्लेन करूंगा आपको रिगार्डिंग एरे एंड लिंक्ड लिस्ट फॉर स्टैक्स। थैंक यू।